वेदों का निष्कर्ष, दर्शनों का, उपनिषदों का, हमारी जितनी भी आर्ष ज्ञान परंपरा है, इसका तत्व ज्ञान उसको एक शब्द से बोला जाता है। आम भाषा में उसको निचोड़ बोला जाता है, साधारण भाषा में उसको तंत कहा जाता है ना भाई, तंत की बात बताओ। हाँ, तो गुरुदेव ये सब माध्यम हैं जो हमारे दर्शन शास्त्र आपको इसके माध्यम से जीवन का निष्कर्ष बताते हैं, और वो निष्कर्ष सभी महापुरुषों का एक ही जैसा है। शुभ तो एक ही जैसा होता है, सत्य तो एक ही जैसा होता है। मेरा और गुरुजी का सत्य कोई अलग अलग नहीं होता है। हमारी ऋषियों का, वेदों का, जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने जीवन को ठीक ठीक समझा, जगत को ठीक ठीक समझा, उन सबके निष्कर्ष एक ही जैसे हैं। इसलिए महापुरुषों में, ऋषियों में कभी भेद होता ही नहीं है। भेद तो अल्पज्ञानियों में होता है, जो अविद्या से ग्रसित हैं, जो है अयथार्थ ज्ञान जिनको है ना, उनके भीतर भेद होते हैं। यथार्थ ज्ञान जिनको हो गया वो तो कृतार्थ हो जाते हैं। हम और श्रद्धेय गुरुदेव बैठे हुए थे, चिंतन कर रहे थे कि जीवन जो है ना, इसको ये ठीक से समझ लें। और जितने आप भाई बहन एक साथ रह रहे हो, इतने लोगों में आप यदि ठीक से जीवन को समझ लें, 50 भाई और 50 बहन पर्याप्त हैं। एक साथ यदि रहते हैं हम लोग, 100 व्यक्तियों के व्यवहार में हम यदि खरे उतर गए, तो हम 100 करोड़ के व्यवहार में भी खरे उतरेंगे। धरती पर आज तो इंसान ही 700 करोड़ के आसपास है। वैसे तो कहते हैं जो 2 में भी खरा उतर गया वो भी खरा है। पति पत्नी और गुरु शिष्य यदि खरे उतर गए ना, माता पिता पुत्र, पिता पुत्र, माँ बेटी, मतलब 2 के व्यवहार में भी हम खरे उतर गए, तो 100 के व्यवहार में भी खरे उतरेंगे। और 100 के व्यवहार में खरे उतरे तो 100 करोड़ के व्यवहार में खरे उतरेंगे। और यदि 2 के व्यवहार में खरे व्यवहार में भी खरे नहीं उतरेंगे, और 100 करोड़ के भी व्यवहार में खरे उतरेंगे। हम ऐसा चाहते हैं श्रद्धेय गुरुदेव और हम सब, श्रद्धेयाचार्य भाषण जी, हम सब, और केवल हम व्यक्तियों के रूप में नहीं, हमारे सब ऋषियों के, गुरुओं की यही अपेक्षा रहती है कि आप सब एकदम जीवन के बारे में खरे उतरे, एकदम पढ़ते समय से खरे उतरे होगे ना, तो आगे खरे रहोगे। समझ लेना इस बात को। कुछ लोग कहते हैं जी जीवन में जो अध्यात्म है, जीवन में जो बड़े आदर्श है ना, वो तो बाद की बात है जी, बाद में देखेंगे। बाद में 99% लोगों में संभावना खत्म सी हो जाती है, विकास की, सुधार की, जागृति की। जैसे हम कहते हैं ना, पूर्ण समर्थ और पूर्ण जागृत बनना आपको, तो ये पूर्ण समर्थता और जो है पूर्ण जागृति, ये जो है ये अभी से आएगी तो आएगी, बाद में तो फिर आप भी जो है ना टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, भाई अब सुधरने का शायद कि सुधरने की संभावना न के बराबर। तो आपको हम चाहते हैं अभी से आप जो है पूरी तरह से जागृत हो, पूरी तरह से समर्थ हो, वाणी के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, स्वभाव के स्तर पर, पुरुषार्थ के स्तर पर। इसलिए हम बार बार कहते हैं ना, हम आप में क्या देखना चाहते हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा, श्रद्धा का अतिरेक, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, निष्ठा का अतिरेक, पराकाष्ठा, ऐसा। और जीवन तो भाई 100% खरा ही जीना होता है। श्रद्धेय गुरुदेव, मैं स्वयं इस बात को कह रहा हूं, श्रद्धेय गुरुदेव इस बात को कहते हैं, सब महापुरुषों का ये निर्विवादित सत्य है कि वे जो जीवन में तो 100% खरे उतरेंगे ना, वही अपना या इस जगत का कल्याण कर पाएंगे। आत्म कल्याण और लोक कल्याण की ये साधना हमारे सभी महापुरुषों ने की है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से। साइंस है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, जितने भी ये जीवन का जो भी हमारा स्वरूप है ना, ये हमारा अभ्युदय है। जो भी हम कर रहे हैं, आपको गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ये भी अभ्युदय के लिए ही है। और अभ्युदय जिसका सिद्ध हो जाता है तो निष्कर्ष भी उसका सिद्ध होता है। अभ्युदय का मतलब ये भोग वासना विलास ये नहीं है, माने आपके जीवन का जो है पूर्ण रूप से
विकास। और इसमें ऐसे ऐसे जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर आपका धर्म सिद्ध हो जाता है, आपकी जीवन में समर्थता आती है। अर्थ का मतलब सार्थकता आती है आपके जीवन में। अर्थ तो अर्थ का मात्र अर्थ पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, अर्थ का मतलब समर्थता, सब तरह का आप सामर्थ्य अर्जित करना। धर्म ये जीवन का मूल तत्व है। जो भी आपका कर्म है वही धर्म है आपका, जो शुभ है वही धर्म है। अच्छे और बुरे को लेकर के, राइट एंड रॉन्ग को लेकर के ही तो पूरी दुनिया में संघर्ष है। तो जो भी राइट है, जो भी शुभ है, जो भी सत्य है, जिससे कि आप जीवन में ऐसे आगे बढ़ते हैं ना, वही धर्म है। और जब धर्म आपके जीवन में सिद्ध होता है तो अर्थ आपका सिद्ध हो जाता है। और धर्म और अर्थ सिद्ध होने से आपकी जो भी शुभ कामनाएं हैं, वो आपकी जो मंगल कामनाएं हैं, जैसे एक आचार्य भी चाहता है ना उसका शिष्य जो है बहुत प्रखर प्रज्ञावान हो, चरित्रवान हो, ये भी तो उसकी कामना ही है ना। जो भी शिव संकल्प है हमारे, वो काम से अभिप्रेत है, यहाँ काम से अर्थ भोग वासना नहीं है। और ये तीनों जिसके सिद्ध होते हैं उसी का मोक्ष सिद्ध हो जाता है। जब तक ये तीनों सिद्ध नहीं होंगे तो अपने भीतर उसके भीतर अपूर्णता होगी। धर्म उसका सिद्ध नहीं होगा तो अपूर्णता रहेगी उसके जीवन में, वो सामर्थ्य नहीं होगा तो अपूर्णता होगी। और उसके जो शुभ संकल्प हैं यदि उसके वो पूर्ण नहीं हो रहे हैं, ये ज्ञान के स्तर पर होना चाहिए सब, ये धर्म युक्त होना चाहिए, न्याय युक्त होना चाहिए, विद्या युक्त होना चाहिए सब, तो फिर जीवन में अपूर्णताओं से मुक्त हो गए, मोक्ष है। तो हम चाहते हैं और ऐसा हम भी हर पल उसके लिए सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, उसके लिए प्रतिपल जो है उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए लगे रहते हैं कि हमारे जीवन का ये पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध हो। तो आप अध्ययन काल से ही इसके प्रति सजग होंगे, जागरूक होंगे, विद्या काल से, यौवन से ही जब आप इसके प्रति जागरूक रहेंगे तो आप इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा ही देखा गया है। ये जवानी कुछ और बुढ़ापा कुछ और हो जाए ऐसा नहीं होता। जो बचपन में होगा वही जवानी में होगा, जो जवानी में होगा वही बुढ़ापे में होगा, ऐसा ही देखा गया है सब महापुरुषों के जीवन में। ऐसा ही हम देखते हैं अपने जीवन में कि हम जो बचपन में थे वही जवानी में थे, और अभी क्योंकि हम बूढ़े नहीं हुए हैं इसलिए जो जवानी में है वही बुढ़ापे में होंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कुछ अचानक कुछ हो जाता, अनायास कुछ भी नहीं होता, और शॉर्टकट कहीं पर भी नहीं है कि हमें जो है मोक्ष ऐसे ही कहीं कोई जगह है और वहां हम पहुंच जाएंगे, ऐसे मोक्ष भी शॉर्टकट नहीं है। दुनिया में समृद्धि हो, शांति हो, मुक्ति हो, कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए जो है एक लंबी प्रक्रिया है। तो इस पूरे संदर्भ में एक दो बातें कह करके फिर श्रद्धेय गुरु जी से कहूंगा कि आपको प्रेरणा दें। तो यहाँ रहते हुए भी बहुत जो मेरे ऊपर दायित्व हैं उन अपने जिम्मेदारियों को पूरी प्रामाणिकता से, पूर्ण विवेक, पूर्ण सामर्थ्य, पूर्ण निष्ठा से निभाता हूं। और जैसे जैसे आपका ज्ञान प्रबल होता जाता है, आपकी बुद्धि विवेकवती होती जाती है, आपका हृदय पवित्र होता जाता है, जितना जितना आप समष्टि के साथ एकात्मता से जीने लगते हैं उतने ही उतने समष्टि के प्रति जो आपके दायित्व हैं, उत्तरदायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, फर्ज हैं, कर्तव्य हैं, जवाबदेहियां हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अकाउंटेबिलिटी है आपकी, वो उसको आप महसूस करने लग जाते हैं। तो हम अभी आपके भी मन में बहुतों के प्रश्न रहता होगा कि अब आगे क्या, आप अपने प्रति तो आप जागरूक हैं, मेरे प्रति भी बहुत जागरूक रहते हैं कि अब बाबा जी आगे क्या करेंगे। तो 7 तारीख को या 6 तारीख को मैं दिल्ली चला जाऊंगा और फिर प्रेस और मीडिया से दो दिन तक घमासान रहेगा, क्योंकि अब तो मुद्दे भी बहुत जबरदस्त उठे हुए हैं।
और तो उस संदर्भ में सारे देश में हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, संत क्या है, साधुता क्या है, इसको लेकर के बहुत बहसें छिड़ रही हैं। अपने पूर्वजों की पुण्याई पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगते हैं। और देखो, मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ, जब जहाँ पर जब भी जिस भी अवस्था में मैं बैठा होता हूँ तो हमेशा सोचता हूँ मैं एक व्यक्ति न हूं, मेरे साथ में मेरे पूर्वजों का पुण्य जुड़ा हुआ है। करीब 200 करोड़ वर्षों तक इस धरती पर जितने भी महापुरुष हुए हैं, वीर वीरांगना ऋषि ऋषिकाएं हुए हैं, उन सबका पुण्य आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और आगे जो कुछ हम करेंगे वो भी आगे जुड़ा रहेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। हम कुछ भी करते हैं तो उससे पहले ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं कि ये कोई दूसरों के लिए कह रहा हूं, मैं खुद के लिए कह रहा हूं। मैं कुछ भी करता हूं, कुछ भी सोचता हूं, जो भी जी रहा हूं, तो ये सोचता हूं कि इसके पीछे मेरे पूर्वजों का पुण्य जुड़ा हुआ है और मुझे अपनी पुरखों की पुण्याई को कलंकित नहीं होने देना है। जैसे माँ बाप एक बात कहते हैं ना, बेटा अपने कुलवंश खानदान पर दाग नहीं लगाना, एक बात हमेशा कहते हैं, अपने कुलवंश खानदान पर तो, या अपना कुलवंश तो, मूल वंश तो हमारा ब्रह्म वंश है, हम भगवान के बेटा बेटियां हैं। तो औलादें कुछ गलत करते हैं तो उनका बाप, उनकी माँ बदनाम होती है ना, तो हम सबका बाप, हम सबकी माँ तो भगवान है। तो इंसान कुछ गलत करेगा तो लोग कहेंगे नहीं, इसको बनाने वाला भगवान कैसा होगा। जो नास्तिक लोग हैं वो यही कहते हैं कि वो ऐसा ही भगवान है जिसने ऐसे इंसान बना दिए। तो इतना इतना सजग रहना है आपको। तो फिर 8 तारीख को 1000 लोगों का कार्यक्रम फिर छावला में होगा, फिर जंतर मंत्र से होता हुआ। इस देश में आजकल एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर 12 तारीख को हम हिमाचल जाएंगे, फिर 13 तारीख को मध्य प्रदेश की पूरी यात्रा चलेगी, सुबह दोपहर शाम, और फिर 19 तारीख तक वो यात्रा चलती रहेगी। फिर 19 तारीख को हम यूके में पहुंच जाएंगे क्योंकि यहाँ से 5 घंटे की फ्लाइट है। और उसके बाद में फिर हम लेस्टर, ग्लासगो, फिर वहाँ क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, पूरी दुनिया के कई कितने शायद पता नहीं 100 या कितने देशों के लोग आ रहे हैं वहाँ। फिर एक हमारा योग के ऊपर कार्यक्रम होगा। फिर उसके बाद हम अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका में ह्यूस्टन से शुरू करके और फिर शिकागो, फिर न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, और जो है स्वामी विवेकानंद जी ने 150 साल पहले जो भाषण दिया था शिकागो में, जहाँ उसी स्थान पर उसी दिन 150 वर्ष पूरे होने पर हमें वहाँ पर आमंत्रित किया है कि हम जा करके उसी संदेश को, क्योंकि जो हमारे महापुरुष होते हैं उनके द्वारा जो उद्घोषित जो सत्य होते हैं वो तो सार्वभौमिक होते हैं, सार्वकालिक होते हैं, उतने ही प्रासंगिक होते हैं वो जितने आज से सदियों पहले थे, युगों युगों पहले थे। तो जो वैदिक काल में उद्घोष हुए ऋचाओं के माध्यम से वो आज भी उतने ही सत्य हैं। तो उस इसलिए कहते हैं ना कि ऋषियों का जो ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, जो अपुरुषीय ज्ञान है, वो शाश्वत है, नित्य शब्दार्थ संबंधे कह के श्रद्धेय गुरु जी ने, और व्याकरण में भी उसको कहा है कि वो तो शाश्वत है। और उसके बाद में हम फिर वापस आ जाएंगे यहाँ अक्टूबर को, फिर अक्टूबर से यहाँ से फिर दोबारा से यात्रा शुरू हो जाएगी। और हम उसमें 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक फिर छत्तीसगढ़ में रहेंगे, और फिर 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक फिर दिल्ली में रहेंगे, फिर जो है 13 सितंबर से 18 सितंबर अभी मध्य प्रदेश जा ही रहे हैं, फिर 9 से 14 अक्टूबर दिल्ली, फिर 15 से 28 अक्टूबर मध्य प्रदेश, और फिर 29 अक्टूबर से राजस्थान। ये तो अभी मैंने आपको सितंबर अक्टूबर का कार्यक्रम दिया है, फिर ऐसे नवंबर दिसंबर से लेकर के योग और युद्ध, ये देवासुर संग्राम धर्म युद्ध पूरा जारी रहेगा 2014 तक। और जो है हमें जो भी करना है, हम जो हो रहा है सब ईश्वर के विधान से हो रहा है, ज्ञान और निष्ठा के धरातल पर रह करके कर्म को अपना धर्म मान करके हमको करना है सब।